और आपके मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका पूरे देश के अंदर बजेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक जयराम जी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं मंडी में, हर प्रचार रैली में कंगना जी के साथ दिख रहे हैं और आप पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कल उन्होंने कहा है कि जिन्होंने रुलाया उन्हीं के नाम पर अब विक्रमादित्य सिंह वोट मांगने जाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, इनकी बातों से मैं विचलित होने वाला नहीं। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई चीज़ों पे हो सकता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी को ही बोलने का अधिकार है, बाकी के मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगी हुई है। सबको बोलने का भी अधिकार है, सही रूप से रखने के भी अधिकार है, और जो भी चीज़ें थी हमने हाईकमांड के समक्ष रखी है और उन्होंने कहा है कि सब चीज़ों का निवारण किया है और उसके बाद ही उन्होंने मुझे भरोसा जता कर यहाँ से पार्टी का नुमाइंदा बनाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे और जयराम जी को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। सर, जयराम जी ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा भी दिया आपने और फिर प्रतिभा सिंह जी ने भी ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगी, इस वो तरह अपनी की चिंता करें ना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी चिंता उनको क्यों हो रही है। वो अपने विधायकों को संभाले, अपने जो यहाँ से विधायक गए हैं उनको संभाले, उसकी वजह से जो उनके पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है उसको संभाले, वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं। हम अपना काम खुद कर लेंगे जो हमने करना है और हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनका जनाधार प्राप्त करेंगे और जीतेंगे। इसलिए वो अपनी चिंता करें, हमारे घर के अंदर जो है दूरबीन लेके क्यों देखी जा रही है।